राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून दौरे पर पहुंची। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। मुर्मू एयरपोर्ट से शहीद स्थल गई, वहां उन्होंने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान मुर्मू मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित सेफ हाउस में पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों से उन्होंने मुलाकात भी की। सांसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल सहित बीजेपी के सभी 47 विधायकों और लोकसभा व राज्यसभा के सभी 8 सांसद बैठक में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की दावेदार है और यदि वो इस पद पर चयनित होती हैं तो वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी। पॉलिटिकल डेस्क, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।